हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिकेत आप सबका इस सेशन में दोबारा स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में जो है हमने स्टडी प्लान देखा था एसबीआई का। आई होप आप सभी काफी मेहनत कर रहे होंगे और दिन रात एक करके आप मेहनत करने करके जो है आप एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में बैंकर्स अड्डा आपका हर पल आपके साथ है। तो पिछले सेशन में जो है काफी बच्चों का मेल आया पिछले सेशन करने के बाद और जो है क्वेरी भी आई और काफी बच्चों को मैंने रिप्लाई किया। कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वाले टॉपिक्स कैसे हम कवर करें, ये टॉपिक्स कैसे कवर करें। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जो है रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी जो है कोई भी टॉपिक से आपको डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं उस टॉपिक को जो है आपके सामने लेके आऊंगा। तो काफी बच्चों का है जो उन्होंने कुछ बच्चे कहे मुझे पजल्स में दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे कहे मुझे सिलोलिज में दिक्कत आ रही, कुछ बच्चे जो है उन्होंने बोला कि मुझे पुरानी वाली कोडिंग करवा दो या नई पैटर्न की कोडिंग करवा दो। तो मैक्सिमम जो बच्चे थे वो बोल रहे थे सर सिलोलिज्म का जो है मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो। तो बच्चों जो है आज इस सेशन में जो सिलोलिज्म के कम 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन सिलोलिज्म में रहते हैं, तो मैं आज इस सेशन में सिलोलिज्म का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। और मान के चलो अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस आए या 3 नंबर के क्वेश्चंस आए या 5 नंबर के क्वेश्चंस आए तो 5 नंबर तो मैं आज आपका पक्का करवा के रहूंगा। 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, 5 नंबर आज आपके आएंगे 100% आएंगे। और देखो सिलोलिज्म काफी वास्ट है, मैं इस छोटे से सेशन में सिलोलिज्म के पूरे वास्ट चैप्टर को कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन जो काफी टाइम से एग्जाम में सिलोलिज्म जो है पूछे जा रहे हैं जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं मैं उन्हीं टाइप्स को सीधा सीधा कंप्लीट करूंगा, पॉइंट पे आऊंगा और सीधा सिलोलिज्म कंप्लीट करूंगा। 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं आज। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सिलोलिज्म। जो सिलोलिज्म में क्या है मैं एक बार अब सिलोलिज्म को पहले कवर करता हूं। तो सिलोलिज्म हमारा क्या है, सिंपल है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म ऐसा नहीं है कि कुछ आपको सिंपल, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास पेन है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये मेरे पास पेन है मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद कंक्लूजन में बोल रहा हूँ कि हाँ ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है तो मतलब सही है ये पेन है यहाँ पे। और अगर मैं बोल रहा हूँ किसी दूसरे कमरे में ये वाला पेन रखा हुआ है तो मुझे नहीं पता दूसरे वाले कमरे में ये पेन रखा हुआ है या नहीं है, तो उसका कंक्लूजन ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाती है कि हाँ ये वाला पेन जो है किसी दूसरे वाले कमरे में रखी गई है इसकी पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है सही है। तो बस सीधा सा कंसेप्ट है, जो है बिल्कुल रियल लाइफ टाइम है, जो है जो दिख रहा है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, बिल्कुल रियल है ठीक है। अब जो है कहीं ना कहीं जो है मैं आपको 2-4 ऐसे सिंपल से कंसेप्ट है, जैसे सिलोलिज्म का इधर और कंसेप्ट है ठीक है। इधर और कंसेप्ट है मतलब क्या कि अगर जो है कंक्लूजन है पहले वाले कंक्लूजन दूसरे वाले कंक्लूजन में कंफ्यूजन है, आपको दूसरे में भी कंफ्यूजन है नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसके बाद ये वाला कंक्लूजन आपका सही हो रहा है तो ऑब्वियस ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग होगा, अगर ये वाला सही हो रहा है तो ये वाला रॉन्ग होगा, ऐसा केस आ रहा है तो इधर और उस केस में लगना ही लगना है। तीसरा केस जो कि पूछा जाता है सम मान लो या फ्यू मान लो या ओनली मान लो ठीक है, ऐसे ऐसे केस अगर जो है स्टेटमेंट में दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है उस केस में आपको सम कंसिडर करना है। आपको घबराना नहीं है कि फ्यू दे दिया या ओनली दे दिया, इस केस में हमें क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको सम कंसिडर करना है ठीक है। एक और कैन बी या पॉसिबिलिटी लिखी हुई हो, कैन बी भी लिखा हो तो इस केस में पॉसिबिलिटी को माना जाता है, या पॉसिबिलिटी लिखी हो तो उस केस में हमें पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है। चौथा चीज ये, उसके बाद एक और आता है कैन नेवर बी। पिछले कुछ एग्जाम में कैन नेवर बी के क्वेश्चंस कभी नहीं कभी मतलब काफी पूछे गए हैं, तो इसका क्या मतलब है, सीधा रियल मीनिंग पे आते हैं जो सेंटेंस की जो वर्ड का जो मीनिंग है कैन नेवर बी मतलब कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इन द सेंस अगर मैं कहूं कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है बी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं कि ऑल ए आर बी ठीक है, ऑल ए आर बी में कह रहा हूं तो क्या ये ऑल ए कैन नेवर बी, ऑल ए कैन नेवर बी तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है हमने कह दिया सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है बी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं ऑल ए कैन नेवर बी बी मतलब सारे ए बी नहीं हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो है ए सब कुछ ए जो है पार्ट बी नहीं है तो सारे ए बी नहीं हो सकते, तो ये वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है। एक और है जो कि एलआईसी के एग्जामिनेशन में आपको अब आपको जो है अभी देखने को मिला है, हमने अपने मॉक टेस्ट सीरीज में हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन डालते रहे, ओनली अ फ्यू करके जो है एक वर्ड आया था जिससे काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या होगा सर इसमें, इसको क्या कंसिडर करना है, मैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस वर्ड को जो है इस वर्ड को हम मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस करके समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आज सिलोलिज्म के कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं करने वाला करवाने वाला हूं आपके सामने, 15 क्वेश्चन करवाऊंगा सिलोलिज्म के,
और दावे के साथ कहता हूं, इस 15 क्वेश्चंस में आपके 5 नंबर तो कहीं नहीं गए। 5 नंबर 15 क्वेश्चन में हर टाइप के जो एग्जामिनेशन में सिलॉलिज्म अभी जो पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे सिलॉलिज्म कवर करूंगा और आपके 5 नंबर आपको दिलवा के रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे भी इस किसी सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको कवर करूंगा, आज मैं आपके सिलॉलिज्म क्लियर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलॉलिज्म का टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलॉलिज्म के बारे में मैंने बताया, तो स्टार्ट करते हैं सिलॉलिज्म से। सिलॉलिज्म में क्या है बच्चों की स्टेटमेंट, जो भी आपका डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है वो डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे कुछ आपके जो है डायरेक्शन दिए रहेंगे कि कौन सा कंक्लूजन आपको सही करना है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको सही करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट है 2 लाइन का, बड़ा प्यारा सा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल ट्रीज आर सॉफ्ट। ठीक है, तो ऑल ट्रीज आर सॉफ्ट, फिर कह रहा है ऑल सॉफ्ट आर प्राइस, ऑल सॉफ्ट आर प्राइस। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है सम ट्रीज आर नॉट सॉफ्ट। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जो है सारे पॉजिटिव जो है सेंटेंस हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं और ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जहां पे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो कंक्लूजन में अगर नेगेटिव सेंटेंस पूछा गया है तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट है दोनों और नीचे जो है कंक्लूजन में आपसे पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा गया है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, उस केस में आप उसको डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमसे पूछा गया ऑल प्राइस आर सॉफ्ट। ठीक है, ऑल प्राइस आर सॉफ्ट पूछा गया, तो क्या सारे प्राइस जो है सॉफ्ट हो सकते हैं? नहीं, सारा सॉफ्ट प्राइस है लेकिन सारे प्राइस सॉफ्ट नहीं हो सकते, तो ये भी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब नीदर वन नीदर टू आर फॉलोस। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, हमारा ऑल फिश आर पिंक, तो ऑल फिश, ये सारा फिश जो है क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर क्या है हमारा, नो फिश इज गोल, नो फिश इज, फिश के साथ गोल का रिलेशन कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सम पिंक इज गोल, ठीक है, सम पिंक इज गोल, पिंक और गोल के बीच में क्या कोई रिलेशन है? नहीं है रिलेशन, तो हमें कंफ्यूजन है, हमें इसे नहीं पता कि ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, फिर क्या है, नो पिंक इज गोल, नो पिंक इज गोल, पिंक और गोल में फिर कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें ये नहीं पता ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम पहले वाले कंक्लूजन को यहाँ पे सही कर देते हैं, सम पिंक इज गोल अगर हम राइट मान लेते हैं, तो क्या नो पिंक इज गोल ऑब्वियस है रॉन्ग हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सेकंड वाले कंक्लूजन नो पिंक इज गोल को अगर हम सही कर देते हैं तो पहला कंक्लूजन यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इधर और लग रहा है, यहाँ पे जैसे ही आपको कंफ्यूजन हुआ, आपने पहला सही किया दूसरा गलत, दूसरा सही किया तो पहला गलत, तो सीधा सा कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे जो है इधर और आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर वन और टू फॉलोस। तो यहाँ पे जो है बच्चों इसका आंसर सी हो गया। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर टाइप के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आपके सामने कवर करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या है, सम गेम्स आर काइट। ठीक है, सम गेम्स आर काइट, उसके बाद है ऑल काइट आर लायन। ठीक है, All kite are lion। उसके बाद हमसे पूछा गया All lion are game। All lion are game जो है हमें नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है lion जो है कुछ part games का बन रहा है लेकिन जो है पूरा part यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे wrong होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद some lion are not game। सम लाइन आर नॉट गेम, ये भी हमें कंफ्यूजन है होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, तो यहाँ पे भी सेम कंफ्यूजन वाला सेम केस क्रिएट हुआ। तो उसके बाद अगर हम पहले वाले कंक्लूजन को सही मान लेते हैं तो दूसरा वाला कंक्लूजन ऑब्वियस है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे लाइन अगर गेम हो जाएंगे तो उस कुछ लाइन का गेम होने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। अगर दूसरा वाला हम मान लें सम लाइन कुछ गेम जो है हो सकते हैं, तो पहले वाले कंक्लूजन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, सेम जो है इधर और का केस बन रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी Either one or two follows। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सिंपल यहां पे भी जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहां पे डायरेक्शन दिया गया है, उसके बाद जो है यहां पे क्या ऑप्शन लगाने हैं हमें ये पूछा गया हमसे। तो हमारा क्या है यहां पे, नो फ्लावर इज किंग, नो फ्लावर इज किंग, उसके बाद ऑल किंग आर प्रिंस, ऑल किंग आर प्रिंस,
फिर उसके बाद क्या है हमारा, सम प्रिंस आर क्वीन, सम प्रिंस आर क्वीन। तो बच्चों मैं ये सिलोलिज्म के टॉपिक आपको क्लियर करवा रहा हूँ, वो भी एक सेशन में ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आपके पक्के करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस छोटे से सेशन में 5 क्वेश्चंस आपके पक्के करवा रहा हूँ मैं, तो कम से कम तो लाइक तो बनती है। एक बार सब लोग लाइक कर दो इस सेशन में, जितने सारे भी जुड़ चुके, और जितने से जितना हो सके शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चे को जो है इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें फिर क्या है हमारा, सम प्रिंस आर क्वीन, ठीक है। और उसके बाद हमारा कंक्लूजन में क्या पूछा गया, देखो अब यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी वाली केस आ गई जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया हमसे ऑल प्राइस आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्रिंस है, ऑल प्रिंस आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल प्रिंस आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सही हो पाएगा, नहीं होगा सही, यहाँ पे ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हमारा, सम क्वीन आर किंग इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्वीन जो है किंग होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे हमें नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है, यहां पे सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा हमने कि पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, दूसरा यहां पे हमारा सही हो गया, तो यहां पे जो है बी ऑप्शन आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। देखना मैं हर तरह के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ जरूर वैरी करने जा रहा हूं, तो आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन वैरी हो रहे हैं, और आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जो है आपके एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन जो भी जैसे पूछे जाए वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सेम डायग्राम है हमारा यहाँ पे, इसमें डायग्राम में कोई अलग नहीं है हमारा, सेम वही है स्टेटमेंट सारा। तो यहाँ पे जो है हमारा ये फ्लावर आ जाएगा और ये हमारा प्रिंस हो जाएगा और ये हमारा क्वीन हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया फिर नो क्वीन इज प्रिंस, ठीक है, नो क्वीन इज प्रिंस पूछा गया है हमसे, तो क्वीन यहां पे है और हमारा प्रिंस है यहां पे। यहां पे साफ दिख रहा है कि कुछ सम के केसेस हैं, कुछ पार्ट हैं क्वीन के जो है प्रिंस हैं, तो ये यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम प्रिंस आर नॉट फ्लावर, ठीक है, सम प्रिंस आर नॉट फ्लावर कहा गया है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले पार्ट जो है प्रिंस के ये फ्लावर नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि सारे किंग जो है फ्लावर नहीं है, तो जो किंग किसके अंदर है, प्रिंस के अंदर है, तो कुछ पार्ट ये वाला पार्ट जो है प्रिंस का ये जो है फ्लावर नहीं होगा, तो सेकेंड वाला कंक्लूजन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा, ऑल ब्रेव आर विनर, नो विनर इज कोवार्ड, सम कोवार्ड्स आर लूजर, सम कोवार्ड्स आर लूजर। अब इसमें कंक्लूजन में पूछा गया नो कोवार्ड इज ब्रेव हमसे पूछा गया है, तो हम देख रहे हैं कोवार्ड का रिलेशन डायरेक्ट नो का रिलेशन है विनर के साथ में, और विनर जो ब्रेव जो है किसके अंदर है, विनर के अंदर है। जब विनर का कोई भी रिलेशन कोवार्ड के साथ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेव का भी कोई रिलेशन कोवार्ड के साथ नहीं होगा, इसी कारण से जो है ये वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या है हमारा, ऑल विनर आर लूजर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, विनर हमारा यहाँ है और लूजर हमारे यहाँ है, तो क्या सारे विनर लूजर होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो ये जो है क्या होगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई, बोथ वन एंड टू फॉलोस। तो यहाँ पे क्या देखा हमने बच्चों, अपने दोनों क्वेश्चन में जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में भी जो हमने पॉसिबिलिटी वाले जो है केसेस कंसीडर किए, तो पॉसिबिलिटी वाले केसेस जो है जनरली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब अगर सही है हम जान रहे हैं सही है तो सही है, अगर नहीं हमें नहीं पता सही है या नहीं है पता हमें, अगर उसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अगर हमें डायरेक्ट पता है कन्फर्म पता है कि हाँ ये नहीं होना है, उसकी पॉसिबिलिटी अगर पूछी गई है तो वो ऑब्वियस सी बात है गलत होगी, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया बच्चों, सेशन जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, जोश भरा है, तो आपके अंदर भी जो है जोश भरा होना चाहिए, और जम के लाइक करो और जम के शेयर करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन में जो है हमसे पूछा गया है सम एप्पल आर बनाना हमसे पूछा गया है, तो यहां पर हमें क्या करना है कि सम एप्पल आर बनाना, नो बनाना इज डेट,
नो बनाना इज डेड, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, मतलब बच्चों आपको कुछ नहीं कर रहे, जैसे हैं बिल्कुल वैन डायग्राम से वैसे बनाना है, और सीधा सीधा मतलब सीधा रियल है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस सीधा सा ये कॉन्सेप्ट रखना है। अब उसके बाद कंक्लूजन में क्या है, सम डेट आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम डेट आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ डेट के एप्पल ना होने की पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है, कंफर्म रहता तो यहां पे गलत हो सकता था, तो यहां पे पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, अब देखो यहां पे कैन नेवर बी आ गया, जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ा इस सेशन के स्टार्टिंग में, कैन नेवर बी मतलब कभी भी नहीं, मतलब ऑल एप्पल कैन नेवर बी डेट, कुछ एप्पल जो है कभी भी डेट नहीं हो सकते, ऑल एप्पल मतलब सारे एप्पल जो है कभी भी डेट नहीं हो सकते। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, कुछ एप्पल का जो पार्ट है ये डेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब कुछ एप्पल का पार्ट अगर डेट नहीं हो सकता, तो ये ऑब्वियस सी बात है सारे एप्पल जो है डेट नहीं हो सकते। आई होप आप सबको कैन नेवर बी का मीनिंग समझ में आ रहा हो, तो आप अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर हाँ जो है सब यस जो है जरूर लिखें, नहीं आ रहा तो वो भी आप लिखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कैन नेवर बी जो है डेट, यहाँ पे हम समझ में आ गए कि कैन नेवर बी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये सही हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ऑल एंड आर क्रोकोडाइल, ऑल एंड आर क्रोकोडाइल, ऑल क्रोकोडाइल आर डियर, ठीक है, ऑल क्रोकोडाइल आर डियर, सम डियर आर ईगल, सम डियर आर ईगल, ये हमारा डायग्राम है। फिर हमसे पूछा गया ऑल एंड कैन नेवर बी डियर, ठीक है। अब यहां पे फिर से कैन नेवर का जो है यहां पे केस आया, ऑल एंड कैन नेवर बी डियर, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे कि सारे एंड जो है डियर ऑलरेडी हैं, फिर भी हमसे पूछा गया कि सारे एंड कभी भी डियर नहीं हो सकते। समझ में आई आपको बात, मैं क्या कह रहा हूं, सारे एंड डियर ऑलरेडी हैं यहां पे, फिर भी हमसे पूछा गया ऑल एंड कैन नेवर बी डियर, मतलब कभी भी डियर नहीं हो सकते, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा गया, सम डियर आर क्रोकोडाइल्स, सम डियर आर क्रोकोडाइल्स जो है हमसे पूछा गया है यहां पे, तो कुछ डियर जो है क्रोकोडाइल यहां पे ऑब्वियस हो रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा बी, ओनली बी फॉलोस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो कि मजेदार क्वेश्चन है, इसके अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल बॉयज आर एग, ठीक है, ऑल बॉयज आर एग। बच्चों ध्यान से देखना ये सेशन, कंप्लीट सेशन देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन एसबीआईपीओ प्रीलिम्स में पूछा गया इससे, या 3 नंबर का पूछा गया, जितने नंबर का भी पूछा जाएगा वो उतने नंबर का क्वेश्चन आपका, उतने नंबर के मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके मार्क्स सिक्योर है। ध्यान से देखना इस सेशन को, ठीक है। और अभी आगे बहुत कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, अगले सेशन में क्या होगा नहीं होगा, इन सारे रिगार्डिंग की क्वेरी जो है मैं आपके इस सेशन में बताने वाला हूं, ध्यान से देखना सेशन में, ठीक है। फिर क्या है, सम एंजल आर कैट, ठीक है, सम एंजल आर कैट पूछा गया है हमारा। फिर अगला क्या है, नो कैट इज एग, तो यहां पे जो है ये जो है हमारा कैट आ रहा है, इसका एग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और सम एंजल आर जो है हमारा कैट है, ये हमारा एंजल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जो है कंक्लूजन में हमसे क्या पूछा गया, नो बॉय इज कैट, नो बॉय इज कैट हमसे पूछा गया है यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक कैट नहीं है, तो जो है बॉय भी एक के अंदर में है, तो नो बॉय इज कैट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया हमारा, सम एंजल आर बॉय, सम एंजल आर बॉय हमसे पूछा गया यहाँ पे, एंजल हमारा यहाँ है, बॉय हमारा यहाँ है, इन दोनों का रिलेशन हमें नहीं पता, तो डेफिनेट के साथ हम नहीं कह सकते हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 5 क्वेश्चन इसके बाद और बचा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कभी भी जो है, कभी जो नए LIC के जो पैटर्न पूछे गए हैं उसको मैं आपको एग्जांपल में करके बताऊंगा, तो मैं एग्जांपल में बताने वाला हूं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नो आरोही इज बोनी कहा गया है यहाँ पे, तो आरोही जो है यहाँ पे इसका जो है बोनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या है हमारा, ऑल चीनू आर बोनी, तो ऑल सीनू जो है हमारा ये बोनी के अंदर में है। फिर क्या है, सम डोमी आर चीनू, तो डोमी हमारा ये रहा,
किसका जो है सब जो है रिलेशन है सीनू के साथ, ठीक है। आई गेस आपको सबको डायग्राम मतलब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर राइटिंग का इशू आ रहा होगा फिर भी आई गेस सबको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमसे पहला केस पूछा गया, नो सीनू इज आरोही इज अ पॉसिबिलिटी, नो सीनू इज आरोही इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी सीनू आरोही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? तो ये क्लियर दिख रहा है कि बोनी और जो है आरोही में कोई रिलेशन नहीं है और सारे सीनू जो है बोनी के अंदर में है, तो कोई भी सीनू जो है आरोही नहीं होगा, ये कंफर्म केस है। और कंफर्म केस की पॉसिबिलिटी अगर हमसे पूछी जाती है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। मैंने आपको बताया था कंफर्म केस है उसकी पॉसिबिलिटी अगर पूछी गई है तो डेफिनेट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कंक्लूजन क्या है हमारा, सम डोमी आर नॉट आरोही, सम डोमी आर नॉट आरोही, तो ये रहा हमारा डोमी का पार्ट जो कि आरोही नहीं होगा, तो ये केस हमारा सही होगा और यहाँ पे आंसर हमारे बी हो जाएंगे, मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो 10 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, मैं ऐसा नहीं कि काफी सिलोलिज्म के टफ क्वेश्चन या जो है इजी क्वेश्चन लेके आया, नहीं, जो एग्जाम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलोलिज्म के, वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि मैं काफी हाई लेवल या लो लेवल लेके चल रहा हूं, नहीं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वैसे ही लेवल का मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अब देखो बच्चों, जो है क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 में आपके सामने लेके आया हूं, जो एलआईसी में जो नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने मॉक में ऐसे हम ऑलरेडी हम डाले थे, लेकिन एग्जाम में ये पहली बार एक वर्ड आया ओनली अ फ्यू, और काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ओनली अ फ्यू क्या है, क्या हमें करना है, कैसे कंक्लूजन, हमें क्या कंक्लूड करना है, डायग्राम कैसे बनेंगे इसके। तो अब मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल सामने है, मैं हूं आपके सामने और आपका डाउट यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन में देखें हमने क्या पूछा गया हमारा, ओनली अ फ्यू बुक्स। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, कि कभी भी सिलोलिज्म के क्वेश्चन में ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि एक बाय डिफॉल्ट बना हो कि पहला ए सही है, दूसरा हमारा बी, तीसरा इधर और, चौथा कोई भी नहीं और पांचवा जो है बोथ सही होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी जो है कोई फिक्स रूल नहीं होता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बार आप ऑप्शन पे नजर अगर दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, पहला ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, फिर नीदर है, फिर बोथ है, फिर वन है, फिर इधर है, मतलब यहाँ पे वेरिएशन है। तो यहाँ पे सिलोलिज्म के क्वेश्चंस में जो है क्या करता है आईपीएस कई बार जो है एसबीआई क्या करता है काफी बार वेरिएशन करता है, तो आपको इस चीज पे जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग है, ठीक है, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग है, तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे ओनली मतलब बिल्कुल सेंटेंस पे हमें जाना है, मीनिंग पे जानी है, मतलब कुछ जो है ओनली मतलब सिर्फ कुछ बुक्स जो है रीडिंग है, सिर्फ कुछ ही बुक्स रीडिंग है, सारे बुक्स रीडिंग नहीं है। तो इसमें क्या करना है, हमें जो डायग्राम बनाएंगे हम सम वाला केस लेके हम डायग्राम बनाएंगे हम, तो सम जिसे सम बुक्स आर रीडिंग का जो डायग्राम बनता है सेम डायग्राम यहाँ पे इसका बनेगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ऑल रीडिंग आर जनरल, ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे, कंक्लूजन हमसे क्या पूछा गया है, ऑल बुक्स कैन बी रीडिंग हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ऊपर क्या हमने देखा, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों ध्यान से देखना, अगर आप ऐसे जल्दबाजी करके फटाफट बनाने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, ऊपर हमसे कहा गया ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, मतलब कुछ ही जो है सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ कुछ बुक्स ही रीडिंग है, और हमारा कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है, ऑल बुक्स कैन बी रीडिंग, क्या सारे बुक्स जो है रीडिंग हो सकते हैं, यहाँ पे क्या सारे बुक्स रीडिंग हो सकते हैं, जबकि ऊपर डेफिनेट बताया गया कि सिर्फ कुछ ही बुक्स जो है रीडिंग है, सिर्फ कुछ ही बुक्स रीडिंग है, तो सारे बुक्स होने रीडिंग होने की पॉसिबिलिटी भी बाबू कैंसिल हो जाती है यहाँ पे, तो ये जो है हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले में देखें, सेकंड में क्या है हमारा, ऑल बुक्स कैन बी जनरल, तो सारे कुछ बुक्स जो है, सारे बुक्स जो है जनरल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो आंसर हम क्या देख रहे हैं हमारा, यहाँ पे जो है कंक्लूजन टू सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए ओनली टू फॉलोज, ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन में वेरिएशन है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे ध्यान से देखना, मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी ओनली अ फ्यू कंसेप्ट का जो है यहाँ पे भी यूज हो रहा है और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्रीज, ये हमारा स्टेटमेंट है, ओनली फ्यू वुड्स आर ट्रीज है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो है सम वाला जो डायग्राम हमारा यहाँ पे बनेगा,
उसके बाद फिर क्या है हमारा, ओनली फ्यू वुड्स आर स्टेम, फ्यू वुड्स आर स्टेम है हमारा, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इफ फ्यू स्टेम्स आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ए फ्यू स्टेम्स, यहाँ पे अ फ्यू है, ठीक है, ओनली अ फ्यू नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, अ फ्यू मतलब यहाँ पे सीधा सम का केस है। ठीक है, यहाँ पे जब हम कंक्लूड करेंगे तो सिर्फ कुछ करके नहीं, बस कुछ करके जो है यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करेंगे, अ फ्यू स्टेम्स आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्टेम्स जो है ट्री हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ऑल वुड कैन बी स्टेम्स, क्या सारे वुड स्टेम्स हो सकते हैं, तो सारे वुड स्टेम यहाँ पे नहीं होंगे, ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है हमारा ऊपर कि कुछ स्टेम्स जो है ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्टेम्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही वुड्स जो है स्टेम्स हैं, तो इसलिए इस वजह से सारे वुड्स स्टेम नहीं हो सकते, और इसके कारण से हमारा ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और जो है हमारा क्या देखा हमने कि पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओनली वन फॉलोस। ठीक है, अब 13 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 वाले में क्या है, ऑल जंगल्स आर पार्क्स, ऑल जंगल्स आर पार्क्स है यहाँ पे, तो हमारा ये रहा जंगल्स और ये रहा हमारा पार्क्स। ठीक है, ऑल पार्क्स आर लेक, ऑल पार्क्स आर लेक, ये हमारा डायग्राम है। फिर एक बचा है ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर, ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर मतलब ये रहा सम लेक आर रिवर, इसका डायग्राम तो बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे देखें तो कंक्लूजन पे क्या है हमारा, ऑल जंगल्स आर लेक, ऑल जंगल्स आर लेक हमसे पूछा गया है, तो ऑल जंगल्स आर लेक जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर दूसरे वाले कंक्लूजन में क्या है, सम रिवर्स आर पार्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम रिवर्स आर पार्क इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है क्या सही होगी या नहीं होगी, तो आप बताओ मुझे, इसकी पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल सही होगी, तो दोनों कंक्लूजन यहां पे हमारे सही हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन एंड टू फॉलोस। तो हमने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया बच्चों, दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, दो क्वेश्चंस को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अपने आप जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया एक बार लाइक कर दे, और जितने भी हो सके मैक्सिमम शेयर करें, ताकि काफी इस काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेशन की का फायदा सबको मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं क्या है, नो सेंटर्स आर वेन्यूज, नो सेंटर्स आर वेन्यूज है हमारा, तो हम क्या है, ये रहा हमारा सेंटर्स। ठीक है, इसका जो है वेन्यूज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, ऑल प्लेसेस आर वेन्यूज, प्लेसेस जो है वेन्यूज के अंदर है। फिर क्या है, नो प्लेसेस आर लेबोरेटरी, नो प्लेसेस आर लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया ये। उसके बाद अब कंक्लूजन में पूछा गया हमसे नो प्लेसेस आर सेंटर, नो प्लेसेस आर सेंटर जो है हमसे पूछा गया है, तो बिल्कुल जो है प्लेस यहाँ वेन्यूज के अंदर में है, और यहाँ पे जो है वेन्यूज का नो का सीधा रिलेशन है सेंटर के साथ, तो ये वाला जो है हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया नो सेंटर आर लेबोरेटरी, नो सेंटर आर लेबोरेटरी, लेबोरेटरी यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सारे नो कोई भी सेंटर जो है लेबोरेटरी नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली वन फॉलोस मतलब ई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे बच्चों हम हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है अ फ्यू गन्स आर स्टील, अ फ्यू गन्स आर स्टील पूछा गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा गन्स और इसका डायग्राम जो है ये स्टील के साथ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, ऑल स्टील्स आर आयरन, ऑल स्टील्स आर आयरन। फिर उसके बाद क्या है, ऑल आयरन इज सिल्वर, ऑल आयरन इज सिल्वर, तो ये जो है हमारा डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम। फिर उनसे क्या पूछा गया, ऑल गन्स आर सिल्वर, क्या जो है सारे गन्स सिल्वर हैं, सारे गन्स सिल्वर हैं, इसका कंफर्मेशन है, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सम गन्स आर नॉट सिल्वर, सम गन्स कुछ जो है गन्स सिल्वर नहीं है, ये भी हमारा कंफ्यूजिंग आंसर है, हमें नहीं पता कि जो है होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद अगर हम देखें पहले वाले कंक्लूजन को अगर हम सही कर देते हैं, बच्चों ध्यान रखना मैंने आपको स्टार्टिंग में इधर और वाला कंडीशन बताया था, सेम वही चीज यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर हम जो है मतलब पहले वाले कंक्लूजन को सही कर दे, मतलब सारे गन को सिल्वर कर दे, उसके बाद हम कहें कि कुछ गन जो है सिल्वर नहीं है, तो ये ऑब्वियस से गलत हो जाएगा। अगर हम इसको सही कर दे कि कुछ गन जो है सिल्वर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है पहला वाला कंक्लूजन अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे इधर और का कंडीशन आ गया दोबारा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर वन और टू फॉलोज मतलब डी।
तो ये 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, जो एग्जाम में जो है जनरली पूछे जाते हैं, मैंने मतलब सिलोलिज्म का एक छोटे से सेशन में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कवर कर दिया आपका। फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा हो सिलोलिज्म से, कोई समझ में नहीं आया हो किसी क्वेश्चन में, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में या फिर मैं आपको जो मेल आईडी प्रोवाइड करने वाला हूँ आप मुझे मेल कर सकते हो। कई बच्चों ने मुझे मेल पहले भी किया, मैंने सारे बच्चों का रिप्लाई किया है, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या सिलोलिज्म से रिलेटेड या फिर अगले सेशन में आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या डिफिकल्टी हो रही है, वो मुझे बताना, मैं अगले सेशन में वो वाला टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसको जो है बच्चे काफी समय से इंतजार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं सर वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। अभी अब वो क्या है, मैं आपके सामने वो दोबारा आपके बच्चों जो है लेके आया हूँ। क्या है वो? बैंक प्राइम, जो कि आपका मोस्ट डिमांडिंग, आपका मोस्ट चहेता प्रोडक्ट बैंक प्राइम आपके सामने बैक हो चुका है। यस बच्चों, बैंक प्राइम इज बैक। बैंक प्राइम क्या है बच्चों? तो ये जो जितनी भी वैलिडिटीज की है 9 months की और 15 मंथ्स की, मतलब 9 मंथ्स और 15 मंथ्स में जो जो टेस्ट सीरीज, मतलब एसबीआई के हो या आईपीएस के हो, आरआरबी के हो, आने वाले टाइम में आरबीआई के हो, इन सारे टेस्ट सीरीज जो है आपके सामने ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। तो मतलब क्या, ये 9 मंथ्स की वैलिडिटी है और इसका प्राइस बस 999 है, 800 प्लस टोटल टेस्ट होंगे आपके सामने। एक और ऑप्शन अवेलेबल है, क्या है वो? 15 मंथ्स की वैलिडिटी होगी और 1199 इसका जो है प्राइस होगा, इसमें भी जो है टोटल टेस्ट 800 होगा, ठीक है। तो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको, मतलब एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ मिलने वाला है। एक और प्रोडक्ट है हमारा महाकॉम्बो प्राइम, मतलब काफी बच्चे जो है बैंक की भी तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस, एसएससी और रेलवेज की भी एक साथ तैयारी करते हैं, तो उनके लिए प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको 2100 प्लस टोटल टेस्ट मिलेगा और ये भी काफी रीजनेबल प्राइस, मतलब 1999 में अवेलेबल है और ये पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ है। मतलब ये ले लिया तो बस उसके बाद बात खत्म, मेरा जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी और रेलवे सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपका काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट रहता है और ये हमारा बैक हो गया है। तो एक लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों की, अब आपको यहाँ कहाँ से लेना है, तो आपको store.adda247.com विजिट करना है, वहाँ पे टेस्टरीज वाले टैब पे जाएंगे तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में ही जो है आपको बैंक प्राइम के सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अब इन केस आपको अगले वाले सेशन में मुझसे क्या पढ़ना है, क्या डाउट आया आपका, या फिर जो भी आपको क्वेरी पूछनी है मेरे से, आप मुझे मेल कर सकते हो aniket.kumar@adda247.com पे, मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करूंगा। और बच्चों आपको अगले सेशन में क्या पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे मेल करें, मैं आपके लिए उस सेशन में जो है काफी इंपॉर्टेंट सेशन फिर से दोबारा लेके आने वाला हूं। तब तक पूरे जोश के साथ तैयारी करें, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू अड्डा 247 एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट।